हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं टाटा नगर में स्थित टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। तो आइए शुरू करते हैं इसका सफर। फ्रेंड्स, ये टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क 3 मार्च 1994 में खोला गया, उसके बाद से ये पब्लिक के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। और अगर आप एंट्री के बाद सीधे रोड से अंदर आएंगे तो आपको ये खूबसूरत सा फाउंटेन देखने को मिलेगा। शाम के वक्त अगर आएंगे तो ये लेजर शो चलते हैं यहाँ पे, वो भी आपको दिखेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से 1 किलोमीटर हमें अप्रोक्सीमेटली पैदल चलना पड़ेगा और ये है मेन एंट्री जहाँ हम करीब 950 मीटर पैदल चलकर पहुँचे हैं। और यहाँ एंट्री है 30 रुपीज़ पर हेड। देखिए, काफ़ी बारिश हो रही थी तो फिर पैदल जाना पॉसिबल था नहीं, इसलिए मैंने टोटो कर लिया यहाँ पे। और सिंगल हूँ मैं, इसलिए मुझे 300 पड़ा। अगर आप एक कंप्लीट टोटो बुक करेंगे तो आपको 400 में हो जाएगा अगर आप 4 मेंबर्स हैं। तो फिर पार्क का जो एरिया है दोस्तों, वो अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर का है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आए हैं भालू देखने के लिए। जी हाँ बियर, चलिए देखते हैं दर्शन हो पाते हैं या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर छुपे बैठे हैं भालू माशे। हालांकि इन्होंने चेहरा तो दिखाया नहीं, बट चलिए अब क्या कर सकते हैं, इससे आगे आपको जाने की अनुमति होगी नहीं, तो आपको यहीं से देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब बियर के बाद बारी है डियर की। जी हाँ, हिरन देख लेते हैं अब। फ्रेंड्स, ये है हॉक डियर, जो अभी आप देख रहे हैं ये मेल है, और इसके बाद जो ठीक उसके लेफ्ट में है ये मेल और फीमेल और साथ में बच्चे भी हैं। फ्रेंड्स, ये है इंडियन हॉक डियर। दोस्तों, ये है ब्लैक बक यानी काला हिरन। जी हाँ, ये आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि सलमान खान जी के लिए काफी फेमस भी हो गया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर। इसके बाद फ्रेंड्स, अब बारी है जेब्रा की। ये देखिए जेब्रा, मैंने अपने लाइफ में फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम जेब्रा देखा है। और अगला है फ्रेंड्स सादा हिरन व्हाइट डियर।
और अब आप फ्रेंड्स देखने वाले हैं हिप्पोपोटामस जो बिल्कुल मस्ती में कोने में सोया हुआ था। इस एंगल के अलावा फ्रेंड्स किसी एंगल से ये नहीं दिखने वाला था। ये देखिए, ये है दोस्तों बोनेट बंदर। देखिए काफी मस्ती में खा रहा है ये। ये फ्रेंड्स पॉक्यूपाइन का घर है, हालांकि वो दिख तो नहीं रहा हमें अभी। ये है उल्लू आउल, ये देखिए खतरनाक निगाहों से देख रहा है। फ्रेंड्स ये है रिसेस मंकी। आप में से बहुत लोग ये भी जानते ही होंगे कि जो हमारी ब्लड ग्रुप का जो खोज हुआ था वो इसी मंकी से हुआ था, तो ये हमारे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और अब आइए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ मैंड्रिल मंकी यानी मैंड्रिल बंदर, जो वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। ये इंपोर्टेड है दोस्तों। ये देखिए काफी चुपचाप बैठा हुआ है अभी फिलहाल। बाद यहाँ पे कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं। अब आइए दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर, देखिए अभी विश्राम करते हुए। और अब दीदार करिए शेर का। बात बार ये है व्हाइट टाइगर की फ्रेंड्स, इसका जो चिल्लाने का आवाज होता है वो आप सुनिए।
काफी भूख आ रही है। ये था टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर कर ले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।